सब्सक्राइब बटन फ्री है। सब्सक्राइब करने के दो फायदे होंगे, एक तो अच्छी वीडियोस मिलेंगी और दूसरा माता रानी की कृपा होगी। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सो आज हमारे पास जीप कंपास है, जो कि एक बहुत अच्छी गाड़ी है। सो इसका आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं और इसके बारे में आपको डिटेल्स बताने वाला हूँ कि क्या क्या है। और ये 3,500 किलोमीटर गाड़ी चली है सिर्फ। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि गाड़ी कैसी है और इसके बारे में सब कुछ बताऊँगा आपको। तो इस वीडियो को आप पूरी देखना। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, अराउंड 40 डिग्री टेम्परेचर है। मेरा छोटा वाला ट्राईपॉड टूट चुका है, तो मैं बड़े वाले ट्राईपॉड से शूटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। सो थोड़ा सा बेयर करना का गाड़ी वीडियो थोड़ी सी हिले और शेकीनेस आए वीडियो में, वरना वैसे आएगी नहीं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियो में शेकीनेस ना आए, ठीक है। सो चलो कंटिन्यू करते हैं अपने ब्लॉग को। सो हमारे पास जो ये जीप है, ये इस जीप कंपास है, ये टॉप एंड वेरिएंट है इसका, जो कि लिमिटेड 4x4 है। मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे इसका वेरिएंट वगैरह सब लिखा हुआ है। और कुछ लोग मेरे को घूर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिमिटेड है। और ये 4x4 वेरिएंट है, जो कि टॉप ऑफ द लाइन 6 एयरबैग वाला आता है, जो अराउंड 25 लाख ऑन रोड पड़ता है। तो हम लोग फ्रंट से स्टार्ट करें, तो फ्रंट से आप देख सकते हो 7 स्लैट्स की जो क्रोम ग्रिल है इसकी, हनीकॉम मैश है इसके अंदर, देख सकते हो। अगर पास से दिखाऊं तो मैं, ठीक है। तो ये इसकी एक जीप चेरियो की, जो इससे बड़ा वाला वेरिएंट आता है वो सवा 1 करोड़ का आता है, उससे इंस्पायर्ड है ये गाड़ी, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। मतलब वो थोड़ी सी बड़ी लगती है। ये जो आपको वेंट्स दिए हुए हैं, जो मैंने ग्रिल बताई है, लेकिन ये बंद है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिज़ाइंस के लिए है और एरोडायनेमिक्स के लिए है। एक्चुअल में जो उसका एयर डैम है वो ये है और ये है नंबर प्लेट के नीचे। ये भी हनीकॉम मैश है और ये हनीकॉम डिज़ाइन है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा लगता है। और ये लगवाया हुआ है बम्पर प्रोटेक्टर लगवाया हुआ है, जिससे गाड़ी कहीं भी टच हो तो बम्पर पर स्क्रैचेज ना आए। और यहाँ पे इसकी फोग लैम्प्स आ जाती है, जो कॉर्नरिंग लैम्प्स में भी काम करती है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो थोड़ा सा हनीकॉम मैश का फिनिश दिया हुआ है। यहाँ पे आ जाते हैं इसके टर्न इंडिकेटर्स, और ये पूरा टर्न इंडिकेटर है। फिर आ जाते हैं हम इसके हेडलाइट पे। हेडलाइट ये बाय ज़ेनॉन LED हेडलैम्प्स है, और ये पूरा LED स्ट्रिप है, जो कि मैं आपको जला के दिखाने वाला हूँ। और ये लाइट रात में बहुत प्यारा लगता है। अगर मैं आपको दिखा पाया इस वीडियो में तो मैं दिखाऊंगा शायद बेसमेंट में ले जाके दिखाऊं, ठीक है। सेम इधर है। और थोड़ा सा ये बम्पर जो प्रोडक्ट लगाया मेरे को अच्छा नहीं लगा इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी। और इसका जो बोनट है बहुत हैवी, आप एक हाथ से नहीं उठा पाओगे इस बोनट को, मैं कोशिश करता हूँ। सो ये आप देख सकते हो इसका इंजन भी ये है, और बोनट खुलने के बाद ऐसा लगता है कुछ, ठीक है। और आप देख सकते हो पूरा कंसील्ड इंजन है, पूरा प्लास्टिक से कवर्ड है। यहाँ पे इसकी बैटरी आ जाती है, यहाँ पे इसका आपको फ्लूइड भरने के लिए मिलता है। यहाँ पे कुछ आपके फ्यूजेस दे रखे हैं गाड़ी के अंदर। और आप देख सकते हो पूरा प्लास्टिक से कवर है, बिल्कुल आपको बिल्कुल भी मतलब इंजन की नॉइज़ नहीं आएगी। ऊपर भी आपको इसकी शील्ड दे रखी है, जिससे इंजन की नॉइज़ बिल्कुल भी ना आए इस गाड़ी के अंदर कैबिन में। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो थोड़े से वो दे रखे हैं, अगर आपको दिख रहा देखे तो, यहाँ पे वाइपर के पीछे, जो कि अभी उठ नहीं रहा, बहुत ज़्यादा हैवी है इसका वाइपर भी, ठीक है। यहाँ पे भी इसके कुछ हिडन थिंग्स दे रखी हैं इसके अंदर। फिर आते हैं हम इसके साइड प्रोफाइल पे। साइड प्रोफाइल पे आप देखोगे तो बहुत ही बुच लुक दे रखा है, इसके जो फेंडर्स है बहुत ही बाहर निकाल रखे हैं, जिससे इसका बहुत स्टांस बहुत अच्छा आता है इस गाड़ी का। और पीछे भी आप देखोगे तो बहुत अच्छा लगता है पीछे। और पीछे से आप ध्यान से देखो, पीछे अगर आप ध्यान से देखोगे टायर थोड़ा आगे की साइड है, ऑफसेट टेस्ट का टायर, ये पता नहीं जीप ने क्यों किया है लेकिन करा है ऐसा। 17 इंची टायर है, और ये 255/60R17 इंच है इसका टायर। और जो कि इससे छोटे वाले वेरिएंट्स, इससे नीचे वाले जो वेरिएंट्स है, भले ही आप लिमिटेड नॉर्मल फ्रंट व्हील ड्राइव वाले ले रहे हो, तो उसमें आपको सिर्फ 16 इंची टायर मिलेगा। और थोड़ा इसका साइड प्रोफाइल देखें तो इसके आप देख सकते हो क्रोम लाइनिंग आ रही है इसकी पूरी रूफ पे, साइड विंडोज़ पे ही आप देख सकते हो, जो कि इसे बहुत स्लीक और एलिगेंट लुक देती है। और इसकी आप रूफ लाइन देखो तो स्लोपी है, एरोडायनेमिक्स के लिए मानी जाती है ये चीज़, स्लोपिंग रूफ लाइन। उसके बाद हम लोग आते हैं इसके फ्यूल टैंक पे, जो कि यहीं पे है। और ये इलेक्ट्रॉनिक है, आपकी जब आपके पास की होगी तभी ये खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। और यहाँ पे कोई भी आपको कैप वगैरह नहीं मिलता, सीधे इसमें आप लोग नोजल डालना है।
और फिल करना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं इसके बारे में, ठीक है। तो साइड प्रोफाइल में हो गया, यहाँ पे नीचे क्लैडिंग दे रखी है, क्योंकि आप इस गाड़ी को रफ रोड पे लेके जाओगे तो गाड़ी की बॉडी टच नहीं होगी, गाड़ी की बॉडी पे पेंट पे स्क्रैचेस नहीं आएंगे, सिर्फ नीचे क्लैडिंग पे स्क्रैचेस आएंगे। फिर आते हैं हम इसके रियर पे, तो रियर इसका बहुत प्यारा लगता है, आप देख सकते हो। और इसकी जो टेल लैम्प्स है, इसकी मेरे को सबसे अच्छी टेल लैम्प्स लगती है, क्योंकि ये जो लाइट्स हैं ये LED DRLs हैं, पीछे भी दे रखी हैं, तो बहुत प्यारी लगती है ये, लाल रंग की एकदम चमकती है। मैं आपको जला के दिखाता हूँ एक मिनट। अब आप देख सकते हो लाइटें जल रही हैं इसकी, जो कि बहुत प्यारी लगती हैं रात में। और ये इसकी नंबर प्लेट है, और यहाँ पे इसका कैमरा दे रखा है, जो कि ये टॉप ऑफ द लाइन है, इसलिए इसमें कैमरा है यहाँ पे। और मैं आपको इसको बूट दिखाता हूँ खोल के। तो इसका ये बूट है, जो कि थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है इसके अंदर, यहाँ पे प्लेट्स वगैरह रखी हुई हैं ऑफिशियल। तो यहाँ पे इसका बूट देख सकते हो, एकदम प्रैक्टिकल बूट है। दो बिग साइज सूटकेस और दो मीडियम साइज सूटकेस आराम से आ जाएंगे इस बूट के अंदर। और यहाँ पे भी आपको कवर दे रखा है, बूट कवर, जिससे कोई ऊपर से देख ना पाए। तीसरी चीज़, यहाँ पे भी आपको एक मोनोग्राम दिखेगा विली जीप का, विलीज जीप, जो जीप का एक ब्रांड था। जीप की एक जीप आती थी विलीज करके, जो कि बहुत पॉपुलर थी अमेरिकन वर्ल्ड वॉर वगैरह में यूज़ हुई थी वो गाड़ी, बहुत ज़्यादा रिलायबल थी, और इंडिया में भी बहुत कम है लेकिन है। और यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाएंगे, चार अलग अलग टाइप्स के पार्किंग सेंसर हैं, जो आपको बताएंगे रिवर्स करते हैं। मैं आपको बताऊंगा मैं अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम में रिवर्स में कैसे होता है इसका। तो इसका बूट बहुत हैवी है, बंद करने में अच्छा खासा लगता है दम। सो इसके ड्यूल टेल पाइप्स हैं, वैसे तो ये सिर्फ कॉस्मेटिक है, वैसे असली टेल पाइप यहाँ पे है, अगर आपको दिख रहा हो तो। यहाँ पे इसका टेल पाइप असली, जो कि हिडन है एकदम। अगर इसके मैं एंटीना की बात करूँ, इसका एंटीना मेरे को पसंद नहीं आया, क्योंकि ये खुल जाता है ऊपर से और कोई भी चोरी करके ले जा सकता है इसको। और रियर की बात करूँ तो इसका एकदम स्लीक लुक है, ब्लेंडेड है एकदम बॉडी में, और इसमें रियर वॉश वाइप मिलता है। जो रियर वाइपर है वो बहुत छोटा है रियर विंडस्क्रीन के हिसाब से, मेरे को ये लगता है, क्योंकि क्लियर नहीं कर पाता ये पूरा। और यहाँ पे आपको हाई माउंटेड टेल लाइट मिल जाती है, और इसी के ऊपर आपको रियर वॉशर मिल जाता है, जो कि एकदम कंसील्ड है, दिखेगा नहीं, लेकिन बहुत सारी गाड़ियों में दिखता है, वो अच्छा नहीं लगता इसी वजह से। यहाँ पे आपको फोग लैम्प्स मिल जाती हैं, ड्यूअल फोग लैम्प्स हैं नीचे यहाँ पे और यहाँ पे। अगर हम फोग लैम्प्स के बगल की बात करें तो यहाँ पे भी आपको हनीकॉम्ब डिज़ाइन मिलेगी, जो कि आगे से मिलती जुलती है, इसलिए सिमेट्रिकल लुक आता है इसकी वजह से। और तो इसके कुछ फीचर्स की बात करूँ मैं, आउटर फीचर्स की बात करूँ तो जैसे ये हैंडल है, अगर मैं ये हैंडल प्रेस करूँगा तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी यहाँ पे। अगर आपकी जेब में चाबी है, सिर्फ यही करना है, आपको कोई बटन नहीं दबाना, सिर्फ कीलेस एंट्री है इसमें, प्रॉपर कीलेस एंट्री है इसकी। मैं थोड़े से गलतियों, इस गाड़ी की थोड़ी गलतियों की वजह से बात करूँ तो ये जो नीचे बम्पर के नीचे जगह है, जो प्लास्टिक की क्लैडिंग है, ये नीचे बम्प्स पे टकराती है। ये बम्पर तो अलग से लगा हुआ है बाहर का, लेकिन उसके नीचे क्लैडिंग है, जो बम्पर सी है वो नीचे टकराती है हाई बम्प्स वगैरह पे, बम्प स्पीड ब्रेकर वगैरह पे टकराती है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। आप 25 लाख की गाड़ी ले रहे हो और आपकी गाड़ी नीचे टकरा रही है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ली जाए, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 155 mm की, जो कि बहुत कम है मेरे हिसाब से, 175 से ऊपर होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कंपास का नाम दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। कंपास के नाम से याद आया, इसके हम रियर डोर पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जीप है, ये एम्बॉस्ड है, लेकिन बहुत लोग इसे चुरा लेते हैं, ये ऐसे निकल जाता है और ये बहुत एक्सपेंसिव होता है रिप्लेस करने पे, ठीक है। तो चलो मैं आपको इसका ओवरव्यू तो हो गया यहाँ। तो हम इसके इंटीरियर पे आए, तो इसका ये डैशबोर्ड का लुक है, आप देख सकते हो डैशबोर्ड बहुत अच्छा लग रहा है इसमें, और मैं आपको अभी अंदर से भी दिखाऊंगा। तो इसकी सीट्स हैं, यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट वगैरह दे रखा है, और ये आपको इसका, ये इसका डोर की ट्रिम है, जो कि ब्लैक है और वाइट है नीचे, जो कि बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। और यहाँ पे भी जीप का लोगो दे रखा है, सेल प्लेट्स हैं जिसका अभी तक स्टिकर उतरा नहीं है। और ये देख सकते हो इसकी सीट्स भी बहुत कुशनी है,
और ये 6 एयरबैग है, तो नो सीट कवर, इसके ऊपर सीट कवर नहीं चढ़ा सकते। और ये भी वाइट है एकदम, जो कि बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। इंडिया में वाइट देने की जरूरत क्या थी, ब्लैक भी दे सकते थे। सो अगर हम इसकी रियर सीट्स की बात कर लें तो हेडरूम बहुत अच्छा है, अंदर साइड से पूरी बहुत अच्छा है। सीट कुछ नहीं है, रिक्लाइनेबल नहीं है, ये बहुत गलत बात थी इसके अंदर, ये रिक्लाइनेबल नहीं है इसकी सीट। ठीक है, सीटिंग स्पेस अच्छी है, 511 आराम से बैठ सकते हो उस गाड़ी के अंदर। इंग्रेस और ईग्रेस में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से चढ़ सकते हो और उतर सकते हो, बल्कि आपके पेरेंट्स वगैरह को भी दिक्कत नहीं होगी, जो ओल्ड में दिक्कत होती है ओल्ड एज में, कि चढ़ने में और उतरने में गाड़ी में, इसमें दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपको रियर एसी वेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे दो, ये आप देख सकते हो, दो एसी वेंट्स हैं जो कि एडजस्टेबल हैं। नीचे 12 वोल्ट का यहाँ पे USB सॉकेट दे रखा है, जिससे आप फ़ोन चार्ज कर सकते हो अपना। और यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे स्पीकर सिस्टम है, यहाँ पे स्पीकर की ग्रिल है जो कि सिल्वर फिनिश्ड है यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक लीटर की आप आराम से बोतल रख सकते हो, थोड़ा स्क्विशी होगा लेकिन आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी पॉकेट स्नैक्स वगैरह रखने के लिए, चिप्स वगैरह के पैकेट रखने के लिए। तो ये थी इसकी रियर की बात करी हमने, अब चलते हैं आगे। इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर बहुत अच्छा है, बहुत क्लासी इंटीरियर दिया हुआ है जीप के अंदर, बहुत क्लासी इंटीरियर दे रखा है। लेकिन एक और चीज़ है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक रियर व्यू मिरर नहीं दिया गया, यहाँ पे जो नाइट डे नाइट का होता है इलेक्ट्रॉनिक मिरर, वो नहीं दिया, यहाँ पे मैनुअल दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आता है हमारा 7 इंच का टच स्क्रीन, देख सकते हो, मतलब 1 टच सिस्टम है, बिल्कुल बहुत स्मूथ चलता है। यहाँ पे मैंने मीडिया दबाया, थोड़ा सा स्लो है लेकिन एक बार में चलता है। तो यहाँ पे हमारा मीडिया आ गया, यहाँ पे क्लाइमेट दबाया, इसमें ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है। और यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो आपको आपको इस साइड कितनी ठंडी चाहिए और यहाँ पे कितनी गर्मी चाहिए, तो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। और यहाँ से आप एसी के वेंट्स को भी कंट्रोल कर सकते हो इजीली, तो देख सकते हो आपकी हवा का टेम्परेचर बढ़ गया। लेकिन जब 3 से ऊपर जाते हैं ना हम लोग, तो हवा की आवाज़ जो एसी की आवाज़ है वो बढ़ जाती है, लेकिन आपको 3 से ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी इतनी चिल्ड हो जाएगी 3 में ही कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि 3 से ऊपर जाया जाए। यहाँ पर आ जाता है ऐप, यू कनेक्ट ऐप आ जाता है, यहाँ पे आप ऑडियो सेटिंग्स वगैरह देख सकते हो, यहाँ पे पूरी सेटिंग्स वगैरह सब कुछ है कि आपको कहाँ पे ऐसे डायरेक्शन चाहिए गाने की, तो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे इक्वलाइजर आ जाएगा जो कि मिड पे, ओ भाई साहब, इक्वल कर दिया हमने, वॉल्यूम एडजस्टर, यहाँ पे स्पीड मतलब कैसे बढ़नी है कि व्हीकल की स्पीड के ऊपर गाड़ी की जो स्टीरियो की आवाज़ है वो बढ़ जाएगी। रेडियो ऑफ हो जाएगा जब आप गेट वगैरह खोलोगे, तब रेडियो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये वाले सिस्टम, ये वाले ऐप्स के अंदर ये था। यहाँ पे आप फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो, जो कि कोई भी फ़ोन कनेक्टेड नहीं है अभी। यहाँ पे आपका कंपास आ जाता है कि हम साउथ कौन सी साइड खड़े हैं, लेकिन इसमें नेविगेशन नहीं है, जो कि अच्छी बात नहीं थी। नेविगेशन होना चाहिए था, आप 25 लाख खर्च रहे हो लेकिन आपको नेविगेशन तो मिलना चाहिए था इसके साथ। ये चीज़ में कमी है कि अगर गूगल असिस्टेंट नहीं मिलता, लेकिन नॉर्मल नेविगेशन मिलना चाहिए था इसके अंदर। इसके अंदर सेटिंग्स की बात कर लें तो इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं, डेट टाइम, ड्राइविंग, सेफ्टी, ब्रेक्स, इंजन ऑफ ऑप्शंस, आप सब सिलेक्ट कर सकते हो इसके अंदर। कुछ भी मतलब बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, आप देख सकते हो इसके अंदर। हम देखते हैं डिस्प्ले के अंदर क्या है, ऑटो है, मतलब बहुत सारी डिस्प्ले हैं कि आप कंपास में एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये तो हो गई इंफोटेनमेंट की बात। इसके बाद हम नीचे, ये पार्किंग सेंसर्स ऑफ करने के लिए, स्क्रीन ऑफ करने के लिए, वो स्क्रीन ऑफ हो गई, यहाँ पे स्क्रीन ऑफ का बटन देखा है, म्यूट का बटन दे रखा है, म्यूट करनी है तो यहाँ पे आपको हज़ार लैंप्स मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो कि मैं आपको भी सुनाऊंगा। यहाँ पे आपको स्टीरियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, रेडियो कंट्रोल्स है, मैं पता नहीं क्यों दे रखे हैं यहाँ पे। लेकिन ACC के बटन्स मिल जाते हैं यहाँ पे आपको, ये ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है इसके अंदर, फ्रंट रियर सब कुछ है इसके अंदर। इसे ऑन करना है हमें और इसे ऑटो पे चलाते हैं, तो देखो हवा भर जाती है एकदम, हवा की आवाज़ बहुत तेज़ है। इसे हम AC पे चलाओ और AC की हवा कम कर दो। एक फिर आते हैं हम उसके नीचे, जो कि यहाँ पे एक यहाँ पे USB पोर्ट दे रखा है, जिससे आप फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो। एक ऑक्स सॉकेट दे रखा है, ठीक है, तो जिससे आप गाने वगैरह चला सकते हो। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट दे रखा है, फ़ोन चार्जर, जहाँ पे 12 वोल्ट का आप एक फ़ोन का चार्जर लगा सकते हो या लैपटॉप चार्जर लगा सकते हो।
यहाँ पे आपको फोर व्हील ड्राइव लॉक दे रखा है, जो कि अभी हो चुका है, फोर व्हील ड्राइव लॉक में चल रही है गाड़ी अभी हमारी। और यहाँ पे आपको सैंड मोड, यहाँ पे आपको स्नो, सैंड और मड दे रखा है। ये सारे मोड्स हैं, जैसे आप स्नो में चल रहे हो तो स्नो में चलाओ, सैंड में चल रहे हो सैंड में चलाओ, मड में चल रहे हो मड में चलाओ। जीप आपकी जानी जाती है कि ऑफ रोडिंग के उसमें, ठीक है। तो हम फोर व्हील ड्राइव लॉक कर देते हैं इसे। तो देखो तो बहुत ही क्लासी और सेक्सी से शिफ्टर दे रखा है इस गाड़ी के अंदर, जो कि होल्ड करने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैंने पहले FCA गियरबॉक्स देखा जो इतना स्लीक है और एकदम डायरेक्शनल है कि शिफ्ट एक बार में मतलब कोई भी जर्किनेस नहीं है गियरबॉक्स के अंदर। वरना बहुत सारे FCA गियरबॉक्स हैं जिसमें शिकायत आई है कि उनमें दिक्कत आती है। फिर आते हैं हमारे यहाँ पे जो हमारा हैंड ब्रेक होता है, यहाँ पे ई ब्रेक बोलते हैं। ये ब्रेक दबाने से हटता है, ये देखिए हट गया। और हम इसे ब्रेक हटाने के बाद इसे ऊपर खींच देंगे तो ब्रेक लग गया। ये यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, जो हमें ऑफ नहीं करना, ऑन रखना है। ये ऑन हो गया है। फिर आते हैं हम इसके ग्लव बॉक्स की तरफ। ग्लव बॉक्स नहीं, सेंट्रल आर्मरेस्ट, जो कि यहाँ से खुल जाता है। बहुत थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा खासा डीप है, आप यहाँ पे बहुत कुछ रख सकते हो। ये शायद से कूल्ड नहीं है, ये कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है। और यहाँ पे भी आपको एक लोगो मिल जाएगा जीप का, ये आप देख सकते हो। तो बहुत सारे हिडन लोगोज दे रखे हैं इसके अंदर। और ये एडजस्टेबल है, जिसे आप हैंड वगैरह अपना कैसे रखना है वैसे रख सकते हो। फिर आता है इसका ग्लव बॉक्स, जो कि सॉफ्ट ओपनिंग है और जो कि बहुत प्यारा लगता है। ये देख रहे हो, दिखाता हूँ मैं आपको फिर से सेक्शन। ये हमने खोल दिया और बहुत स्लो एक्शन है इसका, मतलब अच्छा लगता है। यहाँ पे लाइट्स, यहाँ पे लाइट दे रखी है। और ये कूल नहीं है ये भी, जो कि ये खोना चाहिए था, क्योंकि यार 25 लाख खर्च रहे हो, कूल ग्लव बॉक्स नहीं, कम ऑन जीप। तो यहाँ पे भी आपको एक बोतल होल्डर मिल जाता है, जो कि 1 लीटर का बोतल होल्डर है। यहाँ पे स्पीकर सिस्टम हो गया, स्पीकर आ गया। तो यहाँ पे आपको एक लॉक अनलॉक का बटन मिलता है, जो कि बहुत रेयर आता है आजकल गाड़ियों में। सेंट्रल कंट्रोल जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें बहुत कम आता है, सिर्फ ड्राइवर साइड आता है। और वन टच अप एंड वन टच डाउन विंडोज़ हैं इसके अंदर। और जो रियर विंडोज़ हैं इसके अंदर भी आप देख सकते हो, ये वन टच डाउन है, वन टच अप नहीं है इसके अंदर। तो जो स्क्रीन है ये 7 इंच की, मेरे हिसाब से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए थी, 8 इंच या 9 इंच की होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ तक ये जो बेजल है यहाँ तक की स्क्रीन होनी चाहिए थी, क्योंकि 7 इंच तो i20 में भी आता है, और i20 से बहुत कम पैसों में आती है, 10 लाख के अराउंड आ जाता है। सेम चीज़ इसका जो इलेक्ट्रॉनिक मिरर है वो भी i20 में आ जाता है 10 लाख की गाड़ी में, लेकिन आप 25 लाख खर्च कर रहे हो लेकिन आपको नहीं मिलता है। फिर आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, जो कि यहाँ पे आपको RPM मीटर, यहाँ पे आपको स्पीड मीटर, स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपको MID मिलती है, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिलता है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर गेज मिलता है। लेकिन ठीक है, इस पर हम थोड़ी MID पे हम इसके बाद आएंगे, लेकिन मैं आपको इसका स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल बता दूँ, लाजवाब है। जो इसका लेदर फीडबैक है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा फीडबैक है स्टेयरिंग का, मतलब आप जो पकड़ रहे हो, होल्ड कर रहे हो इस चीज़ को, ये बहुत अच्छी लगती है। फिर आते हैं स्टेयरिंग कंट्रोल्स के अंदर, यहाँ पे आ गए आपके ये MID के कंट्रोल हैं। आप देख सकते हो अगर मैं इसे कंट्रोल करूँगा तो MID चेंज होगी, ये देखो इसे कंट्रोल कर रहा हूँ तो MID चेंज होती है। यहाँ पे आपके फ़ोन के लिए हो गया, आपको जैसे ब्लूटूथ से फ़ोन पेयर करा हुआ है तो आपको ये फ़ोन उठाने और काटने के लिए हो गया, ये आपको वॉइस कंट्रोल के लिए हो गया। फिर आते हैं यहाँ पे डमी बटन दे रखे हैं, मेरे को पता नहीं जीप ने ऐसा क्यों किया है यहाँ पे, लेकिन जो फॉरेनर जीप आती है US में उसमें यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल के बटन आते हैं, यहाँ पे एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के बटन आते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ऑडियो कंट्रोल दे सकते थे अगर आपको नहीं देना था यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल। बटन्स की बात पे आते हैं तो जो क्रूज़ कंट्रोल है यहाँ पे आपको रैक एंड रीच का ऑप्शन मिल जाता है स्टीयरिंग का, इसे हम लॉक कर देते हैं। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके पीछे क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये वाले जो स्टीयरिंग के पीछे कंट्रोल्स दे रखे हैं, ये रेडियो कंट्रोल्स दिए रखे हैं, यहाँ से आप रेडियो के स्टेशन चेंज कर सकते हो। और इस साइड जो है ये वॉल्यूम कंट्रोल्स दे रखे हैं, आप देख सकते हो आवाज़ तेज हो रही है, ठीक है। यहाँ ऑडियो कंट्रोल्स दे रखे हैं, जो कि ये लोग अपने स्टीयरिंग व्हील पे दे सकते थे लेकिन इन लोगों ने नहीं दिया ऐसा। फिर आते हैं इसकी हेडलाइट के ऊपर, हेडलाइट यहाँ से कंट्रोल होती है, यहाँ से आपकी पार्किंग लैंप्स ऑन हो गई, जो कि DRLs की भी लाइट है और फोग लैंप्स की भी लाइट है। ये आपकी रियर फोग लैंप्स हो गई, ये आपकी फ्रंट फोग लैंप्स हो गई, ये आपकी हेडलाइट हो गई मेन जो चालू हो गई है,
यहाँ पे मैंने ऑफ कर दी। यहाँ पे से आपको बीम सिलेक्ट कर लेते हो कि आपकी हेडलाइट की लेवल, जो बीम का लेवल है वो कहाँ तक रहना है, आपको सबसे ऊपर रखना है सबसे नीचे रखना है। फिर यहाँ पे आता है ये MID, जो इसकी लाइट्स हैं आप देख सकते हो इसकी लाइट भरती जा रही है और इसकी लाइट कम होती जाएगी इसी के हिसाब से, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन, पता नहीं यहाँ पे ऐसी जगह क्यों लगा हुआ है, लेकिन मेरे को भी कन्फ्यूजन हुआ था थोड़ा सा। यहाँ पे बटन दिया है, यहाँ पे ना तो रिंग दे रखी है कुछ भी, सिल्वर रिंग नहीं रखी, कॉस्ट कटिंग है यहाँ पे। फिर आते हैं हम इसके एसी वेंट्स पे, एसी वेंट्स हो गए इसके, यहाँ पे चार एसी वेंट्स देख रहे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक वहाँ पे दे रखा है एसी वेंट। 6.1 सिस्टम दे रखा है इस गाड़ी के अंदर, इसमें 4 स्पीकर हैं, 2 ट्विटर और एक सबवूफर है जो सेंटर कंसोल में दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और अब हम आते हैं इसके MID कंट्रोल्स पे। तो जैसे कि मैं आपको बताया था इसकी ये 4-व्हील ड्राइव है, इसमें आपको स्नो मोड वगैरह मिलता है। तो सबसे पहले इसमें आता है स्नो मोड, तो देखो आप इस स्नो मोड में चली गई गाड़ी। अब आप इसमें स्नो में चला सकते हो, या आ गई सैंड मोड, से आप सैंड में चला सकते हो, और ये आ गया मड मोड जो कीचड़ होती है उसमें चला सकते हो, ठीक है। फिर हम इसे चलाते हो ऑटोमेटिक में, ठीक है। अब आते हैं हम इसके MID के ऊपर, ये आ गई आपकी ट्रिप आ गई, ये 3513 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, ठीक है। फिर आते हैं इसके फ्यूल इकोनॉमी, ये 10 का एवरेज दे रही है अराउंड गाड़ी, आप देख सकते हो इसे कंट्रोल आप कर सकते हो, इसका एवरेज निकाल सकते हो। 9.5 लीटर खर्च कर रही है 100 किलोमीटर पर, 10 का कुछ का एवरेज दे रही है गाड़ी। फिर आते हैं इसके टेम्परेचर के ऊपर, जो इसका कूलेंट लेवल है वो है 86 डिग्री पे, जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर है। यहाँ क्या इसका डिजिटल स्पीडोमीटर, फिर इसकी सेटिंग हो गई, सेटिंग के लिए हम लोग इसमें चले जाएंगे, ये कंपास हो गया, सेफ्टी असिस्ट में देखते हैं क्या है, हिल स्टार्ट असिस्ट वगैरह इसमें सब कुछ दिया रखा है गाड़ी के अंदर, क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। और सिक्योरिटी वगैरह देखते हैं क्या है इसके अंदर, पैसेंजर एयरबैग वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, आपको कंपास मिल रहा है यहाँ पे, साउथ ईस्ट जैसे इसमें दिखा रहा है साउथ ईस्ट वैसे इसमें दिखा रहा है। मैसेजेस आपके फ़ोन पे जो मैसेज आएंगे, ऑडियो का आ गया, ये फिर ट्रिप आ गया, इसमें यही सिस्टम था सारा मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं, ये डोम लाइट्स हैं लेकिन सिंगल ऑपरेटेड यहाँ से हैं, ठीक है। यहाँ से आप ऑफ कर सकते हो, यहाँ से ऑन कर सकते हो सारी की सारी। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का ऑडियो का मिल गया, यहाँ से आप बात कर सकते हो जो कि, और इसे आप चेंज भी कर सकते हो, इसे आप यहाँ पे LED लगा सकते हो आफ्टर मार्केट, जो कि आपकी वारंटी वाइड नहीं करेगी बिल्कुल भी। और यहाँ पे आपके वैनिटी मीटर्स आ गए, जो कि यहाँ पे लाइट का ऑप्शन दे रखा है, लेकिन लाइट नहीं है यहाँ पे, लाइट नहीं चलती इस गाड़ी के अंदर, जो कि आपको हेक्सा में मिलती है, कॉस्ट कटिंग। और यहाँ पे आपको भी, यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर मिलता है लेकिन कॉस्ट कटिंग, लाइट नहीं चलती। बस यही था, यहाँ पे इसके स्टॉक्स आ गए, स्टॉक्स बहुत ही सॉलिड है। और उसका वाइपर स्प्रे देख लेते हैं, विंडशील्ड एकदम क्लीन करता है इसका वाइपर, जो वाइपर ब्लेड्स दे रखे हैं फ्रेमलेस वाइपर ब्लेड्स हैं इसके अंदर। अब इसकी सीट्स की बात कर लेता हूँ, सीट्स इसकी पूरी फुल लेदर सीट्स हैं, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं। यहाँ पे आपको जीप का लोगो मिल जाएगा दोनों सीट्स पे। इसके जो हेडरेस्ट है वो भी बहुत बड़ा दिया गया, जिससे आप कंफर्टेबल फील हो लॉन्ग ड्राइव पे। और ये एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स हैं, देख सकते हो आप यहाँ से ऐसे करके आप एडजस्ट कर सकते हो। और ये जो ग्रैब हैंडल्स हैं, ये जो ग्रैब हैंडल्स हैं ये भी सॉफ्ट टच हैं एकदम, मतलब सॉफ्ट क्लोथिंग है, देख सकते हो आप अपने पास। और फिर इन सीट्स की बात करिए तो परफोरेटेड सीट्स बोली जाती हैं ना, ये जो होल्स होते हैं ये एयर सक इन करते हैं और ये सक आउट थ्रो आउट करते हैं, जिससे जो आपकी पीछे जो वो आता है स्वेट आता था वो इस सीट्स में नहीं आएगा। और ये बहुत अच्छा लेदर दिया गया है, तो आपको रेड स्टिचिंग मिल जाती है जो कि बहुत स्पॉटी लगती है। यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं और इसके नीचे आपको रबराइज ट्रे मिलती है, जो कि आपके कप होल्डर्स को स्क्विकीनेस निकालने से रहन देगी, ठीक है। तो इस गाड़ी में बस यही था, लेकिन मेरे को इसका गियर लीवर बहुत प्यारा लगा, होल्ड करने में बहुत अच्छा है इसका गियर लीवर। और ये इसके वेंट्स हैं, प्रॉपर क्लोज हो जाते हैं लेकिन इसमें से हवा आती रहती है थोड़ी बहुत। और फिर आते हैं इसके रियर व्यू मिरर्स पे जो बाहर के हैं, इसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे, इसमें आपको एक तो जीप का लोगो मिलेगा लेकिन एक ये वाइड मिरर्स हैं बहुत ज़्यादा, ये जैसे आपने देर ये है, ये जो लाइनिंग है ये वाइड है, जैसे आप 90 डिग्री पे भी आप इसके पीछे गाड़ी खड़ी कर दोगे तो आपको गाड़ी दिखेगी, जैसे आप मेरा हाथ देख सकते हो ऐसा, क्योंकि बहुत गाड़ियों में आपको बहुत कम मिलेगा ये ऐसा,
ये इको स्पोर्ट में आता है और एक इसमें देखा है मैंने, बाकी बाकी किसी गाड़ी में नहीं देखा अभी तक मैंने। तो हम इसका हैंड ब्रेक हमने हैंड ब्रेक अभी हट जा मैं भूल गया, तो हमने इसका हैंड ब्रेक हटा दिया है और ये फोर व्हील ड्राइव मोड में नहीं थी सोना। तो आप देख सकते हो इसकी गाड़ी के साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको अलग से कुछ डलवाने की जरूरत ही नहीं है इस गाड़ी के अंदर। तो आप देख सकते हो मैं गाड़ी चला रहा हूँ और गाड़ी बहुत प्यारी चल रही है, मतलब आई एम इन लव विद दिस कार। मेरे को कोई भी क्वेश्चन इस गाड़ी के बारे में पूछना मैं आपको ज़रूर उसका आंसर करूँगा। और गाड़ी में पावर बहुत 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 प्यारी है। इंजन के स्पेक्स बता दूँ, 2 लीटर डीजल 1.4 लीटर के पेट्रोल इंजन में आती है जो कि टर्बो पेट्रोल है एक्चुअल में। डीजल में ये 350 Nm का टॉर्क और 173 PS की पावर निकालती है, ठीक है, जो कि 175 या 176 BHP हो गई अगर उसे ट्रांसलेट करा जाए। पेट्रोल में ये 163 PS और 250 Nm का टॉर्क निकालती है। इसकी पावर मैं आपसे फीगो से कंपेयर कर सकता हूँ क्योंकि इसका जो पंच है एकदम जो लॉन्च है वो कत्ल है इस गाड़ी का। ये गाड़ी मतलब आपको एग्जा में भी मिलेगा, हेग्जा वाला भी पंच नहीं है इसके अंदर, हेग्जा में पावर नहीं है इसके मुकाबले। लेकिन हेग्जा से अगर मैं इसे कंपेयर करूँ, हेग्जा इससे आपको ज़्यादा मिलती है, हेग्जा में आपको जगह ज़्यादा मिलती है, हेग्जा इससे बड़ी है। अगर आप इसे पर्सनली देखो तो ये गाड़ी बहुत छोटी है, बहुत कॉम्पैक्ट है। अगर इसे आप कंपेयर करो तो ये सिर्फ क्रेटा से कंपेयर होती है, हेग्जा आपकी इनोवा से कंपेयर होती है। लेकिन इसका जो फोर व्हील ड्राइव मोड है वो बहुत अच्छा है, हेग्जा में सिर्फ ऑल व्हील ड्राइव है, इसमें 4X4 है, 4X4 ऑल व्हील ड्राइव, RVWD और FWD। इसके बारे में भी एक वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जल्दी में, काम चालू है इसके ऊपर कि इन चारों ड्राइव्स के अंदर क्या क्या फ़र्क होता है, ये अलग अलग क्यों है, और ऑल व्हील ड्राइव फोर व्हील ड्राइव से और फ्रंट व्हील या रियर व्हील ड्राइव से बेहतर क्यों है, या फिर फोर व्हील ड्राइव ऑल व्हील ड्राइव से बेहतर क्यों है। जिसका अच्छा लगेगा, जो चीज़ की अच्छी लगेगी, इसकी जो लुक्स हैं बहुत सबटल लुक्स हैं, बहुत अच्छे लुक्स हैं, जो ग्रैंड चेरियो की है जीप की उसके ऊपर दी गई है ये गाड़ी, और बहुत ही एरोडायनेमिक से जीप होती है, सबसे ज़्यादा एरोडायनेमिक जीप बनी है अभी तक उनके जीप के लॉट्स में, अभी तक जो भी जीप बनी है सबसे एरोडायनेमिक यही है। और इसके हॉर्न की बात करूँ, हॉर्न बहुत अच्छा है, मतलब लगता है कि एक गाड़ी के अंदर हॉर्न लगा हुआ है। मेरी फीगो के अंदर भी ऐसा हॉर्न नहीं है, मैंने हेग्जा चलाई थी उसके अंदर भी ऐसा हॉर्न नहीं है, हेग्जा इससे बड़ी है, यहाँ तक कि इनोवा में भी ऐसा हॉर्न नहीं आता जैसे हॉर्न इसके अंदर दे रखा है। बहुत ही लाउड और बहुत ही पंची हॉर्न है। डैशबोर्ड की बात करूँ, यहाँ पे ये डैशबोर्ड प्लास्टिक नहीं है, कुछ और ही मटेरियल दिया हुआ है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि सॉफ्ट टच है, एकदम हाई क्वालिटी मटेरियल दे रखा है। 25 लाख में आप एक्सपेक्ट भी करोगे, 25 लाख में आप एक्सपेक्ट भी करोगे कि गाड़ी में ऐसा दिया जाए। क्योंकि इसके जो फुटवेल लगता है इसका बहुत स्पेस कम है, बहुत राइट हैंड साइड पे दे रखा है उसका, मतलब जो रेस्टिंग पैडल है वो भी इतना बड़ा नहीं है। ABC जो हमारा क्लच पैडल है वो मैं फुल डिप्रेस करता हूँ, मतलब पूरा दबाता हूँ तो वो आगे जाके स्टीयरिंग रैक से टकराता है। लाइट्स ऑन है हमारी, स्टीयरिंग रैक से टकरा रहा है वो, हो क्या रहा है फिर जब मैं स्टीयरिंग घुमाता हूँ मेरे पैर पे फील हो रही है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो कि इन लोगों को देखना चाहिए था कि 25 लाख गाड़ी खर्च रहा है कोई बंदा, तो क्यों ऐसा करेगा, क्यों ऐसा देखेगा, फिर उसे नहीं होना चाहिए ऐसा। जीप की रिलायबिलिटी, अभी कोई नया ब्रांड है इंडिया के अंदर, अब फीएट आप जानती हो, फीएट का सब ब्रांड है जीप, तो जीप की अभी कोई रिलायबिलिटी के वो पता नहीं है अभी कुछ भी। जीप जो ब्रांड है बहुत रिलायबल है फॉरन में, लेकिन इंडिया में अभी इसका कुछ पता नहीं है, इसकी ट्रस्ट इश्यूज़ अभी इसके ऊपर बनते हैं क्योंकि फीएट के ऊपर बने हुए हैं ट्रस्ट इश्यूज़, गाड़ी में रिलायबिलिटी इश्यूज़ आते हैं। गाड़ी नो डाउट बहुत सॉलिड है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत लाख गुना अच्छी है क्रेटा से, या फिर आपकी स्कॉर्पियो हो गई, या फिर आपकी सफारी हो गई, ठीक है, क्योंकि वो लैडर ऑन फ्रेम है, ये मोनोकॉक चेसी है क्रेटा को छोड़ के, क्रेटा भी मोनोकॉक है। थोड़ा सा ऐसे बीन्स दे के देखते हैं, जो कि फैजल भैया बोलते हैं अपने चैनल पे, लेट्स गिव इट सम बीन्स। एंड वी आर गोइंग 120 इन 4 गियर।
हम थोड़ा सा हाईवे पकड़ेंगे जिससे हम गाड़ी थोड़ी सी और तेज चला पाए और मैं आपको बता पाऊँ गाड़ी कैसी चल रही है हाईवे पे। सस्पेंशन बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा सस्पेंशन दिया हुआ है इस गाड़ी के अंदर, मतलब सारे बम सोख लेता है। सो अब हम हाईवे पे आ गए हैं और थोड़ा सा इसके अंदर और हम फोर व्हील ड्राइव में चला रहे हैं। मैं आपको बता दूँ ये गाड़ी इस समय this car is quick and in no time we are doing 120. I am in love this car. इसका स्टेयरिंग फील बहुत बहुत अच्छा है, और स्टेयरिंग जो होल्ड करने में फील आनी चाहिए वो इस गाड़ी के अंदर आ रही है एक्चुअल में। सो इसका मतलब विजिबिलिटी में कोई इश्यूज नहीं है गाड़ी के अंदर, जो लोग बोल रहे हैं कि छोटा है, मेरा छोटा है, लेकिन आपके लिए आपको उसके लिए रिवर्स कैमरा दे रखा है जो कि असिस्टेड है, स्टीयरिंग असिस्ट है। स्टीयरिंग असिस्ट मतलब स्कोडा वाला स्टीयरिंग असिस्ट नहीं जो ऑटो पार्किंग होता है, लेकिन जो i20 में आता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उसका स्टीयरिंग के संग चलता है जो। सो वी आर ऑन फोर्थ गियर राइट करेंटली एंड वी आर डूइंग 90 किलोमीटर पर आवर। इसके जो स्टॉक्स हैं ये उल्टी साइड है, जैसे फोर्ड में आते हैं, फोर्ड में आते थे पहले, फोर्ड में अब राइट हैंड साइड वाले स्टॉक्स आते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाले स्टॉक हैं। इंडिकेटर आपके साइड दे रखे हैं, वाइपर स्विचेस आपके साइड दे रखे हैं, ठीक है। सो यही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स की। जीप का रिव्यू कैसा लगा आप लोगों को मेरे को कमेंट्स में बताओ, कोई भी गलती मेरे को कमेंट्स में बताओ। अगर नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करो, नो डाउट डिसलाइक करो, लेकिन कमेंट्स में बता के जाओ कि क्यों अच्छी नहीं लगी आपको ये वीडियो, कि जिससे मैं अगली बार उसी चीज़ के ऊपर काम करूँ। ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ तो मैं थोड़ा सा स्टैमर करता हूँ बोलने में। सो अगर आपको लगता है मैं बहुत ज़्यादा स्टैमर करता हूँ बोलने में, क्योंकि मैं करता हूँ एक्चुअल में स्टैमर, और जो मैं कैमरे के आगे बनता हूँ मैं वही कैमरे के पीछे भी हूँ। एक्चुअल में अपनी पर्सनैलिटी वही दिखाना चाहता हूँ कैमरे के आगे कि जो मैं हूँ। स्टैमर मैं जब ज़्यादा बहुत ज़्यादा नर्वस होता हूँ या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ तो मैं स्टैमर करना स्टार्ट कर देता हूँ। सो होप करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो, और मैं यहाँ पे लाल बटन आ रहा होगा, लाल बटन को क्लिक करो, उसे जीप खरीदो उसके संग या फिर हेक्सा खरीदो उसके संग जाके, मुझे कोई मतलब नहीं लिखना। मेरे को इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। बता रहा था इसका रिवर्स कैमरे के बारे में, तो हम इसे अब रिवर्स करेंगे, इस पार्किंग में लगाना है मेरे को, और ठीक है तो यहाँ पे इसे पार्क करना है मेरे को। मैं आपको दिखाता हूँ रिवर्स कैसे होती है गाड़ी, और कैसे मैं बोल रहा था कि लाइंस इसके डायरेक्ट करती हैं, तो देख सकते हो आप ये जैसे लाइंस मुड़ रही हैं आपके इसके ऊपर चल रही हैं स्टेयरिंग के ऊपर, कि गाड़ी कहाँ जा रही है आपके आपको मालूम पड़ता रहेगा। वही हमारी गाड़ी पार्क, ठीक है।